بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى الله। तो मेरी बातें आजकल ना बड़ी हो रही हैं, फनी बातें, शुगली बातें, हंसी मजाक वाली बातें ना। वो बात ये है कि ना, वो नहीं है एक लड़का मलाकोन, वही जो अक्सर स्टार्टिंग में मेरे साथ बड़ी वीडियो बनाता रहा। अगर नहीं पता तो स्टार्टिंग एक वीडियो देख लें, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में भी गया, मेरे साथ हम सिडनी से वोलोंगोंग में भी गए हैं, तो उसकी गाड़ी पे गए थे ना वोलोंगोंग पहला दिन, जिस दिन ओरिएंटेशन थी पूरी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ घूमा था। तो वहाँ पे देखने उसका मैंने बार बार नेम लिया, बार बार नेम लिया। उसकी एक फनी बात है, वो क्या कहते हैं, कहते हैं मैं जब नहीं नहीं ऊबर कर रहा था, ऊबर करता था ना, वो ऊबर एक्स ने ड्राइवर वगैरह को लेके जाता था, सॉरी ड्राइवर तो खुद था, उनको सवारी वगैरह को लेके जाना ना। तो कहता है स्टार्टिंग में जो कहता नहीं ना बड़े इशू आए ना, जो सिडनी का मेन हार्बर ब्रिज है ना, वहाँ पे चार पाँच की बजाय बहुत ज़्यादा रोड निकले, कोई इधर को शू ऊपर नीचे, यहाँ से निकल रहा है, इतने का रोड है। आपको जो मैप है ना, मैं एक दो बार गया हूँ वहाँ पे ना सिटी में, मेन सिटी के अंदर ना, तो मैंने मतलब मैप शो कर रहा जी ये जाओ सीधे जाओ, मैं सीधा जा रहा हूँ, समझ लग रही है ना, मैं सीधा जा रहा हूँ। बाद में कह रहा जी इधर से लेफ्ट टर्न ले लो। अब वो ब्रिज है भाई जान, ब्रिज सीधा जा रहा, मुझे कह रहा है, मैं आप कह रहा लेफ्ट टर्न लो। मैंने कहा मैं लेफ्ट टर्न ये समुंदर में ले लूँ? मैं बड़ा कंफ्यूज, मैं कहा नहीं, ऊपर से मैंने दोस्त के पास गया था ना, मैं फिर ऊपर से ऐसे आया हूँ, फिर मुझे ऊपर ले आए वहाँ पे जो नया बंदा, उसके लिए बड़ी ना इशू होते, मैं फिर ऊपर आया, फिर मुझे कहता लेफ्ट टर्न लो। असल में वो वाले नीचे से जो रास्ता होता था वहाँ से, वो वहाँ पे आप कहें जी आप पहली बार तो चलो गलती होगी, दूसरी बार क्यों हुई भाई, वहाँ पे इतने रोड होते हैं, कह लें यकीन जाने 100-100 मीटर के डिस्टेंस पे सिग्नल लगे हुए हैं, और आपके आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, हर साइड पे गाड़ी, उस रश के दौरान आपने सिग्नल को भी देखना होता है, मैप को भी देखना, और वहाँ पे कुछ ऐसे वेज हैं, ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे सिर्फ बसें चल सकती हैं, अगर आप उनके वे पे गए हैं तो जनाब साहब आपको फाइन ठुकेगा। फिर इसके अलावा और भी काफ़ी मतलब हैवी तरीन मेन सिटी के अंदर जो है ना बड़े रूल्स हैं बहुत, और वहाँ के अंदर भी ट्रेन चलती हैं, एक तो होता है ना ट्रेन का अलग वे है, वहाँ पे सिटी के अंदर अलग से कोई वे नहीं है, वो ट्रेन ऐसी चलती है, वो बीच में से भी आवाम चल रही है, वही बीच में गाड़ियाँ चल रही हैं बीच में, लेकिन वो छोटे छोटे जगह पे 150-150, 100-100, 300-300 मीटर पे सिग्नल लगे हुए हैं, 150-500 मीटर कह लो, 400 मीटर कह लो, इस तरह के डिस्टेंस पे काफ़ी सिग्नल लगे हुए हैं। तो वो कहता है जी जनाब साहब मैं ना ऊबर, उसको कहते हैं ऊबर एक्स डिलीवरी मुसाफिर, उसको लेके जा रहा था ना, कहता कहा उसको सवारी को लेके जा रहा था, पैसेंजर को लेके जा रहा है। कहता क्या होता है, मैं जनाब साहब ने पुल के ऊपर, जिस तरह मेरे साथ नहीं हुआ, मैं जाना था नीचे, कहता और उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, कहता जब मैं उसको पिक किया तो मुझे कहता है ए ब्रदर ये टाइम हुआ है, ठीक मेरी 15 बार मीटिंग है, कहता मैप शो कर रहा था 10 मिनट बाद वहाँ पर ना पहुँच रहे हो, 10 मिनट का डिस्टेंस, 10 मिनट की ड्राइव है, तो कहता वो मुझे शो कराया कि 15-16 मिनट थे ना, 10 मिनट्स में वहाँ पे पहुँच रहे, कहता वो मुझे बता के, मैंने कहा नो वरीज डोंट टेक टेंशन वी विल रीच एट द डेस्टिनेशन विद इन 10 मिनट्स। कहता वहाँ पे मैं, कहता वो पीछे मोबाइल भी लगा हुआ है ऐसे ऐसे यूँ शू शू केमे के जो भी कर, कहता मैं जना सा पुल के ऊपर बड़ी शुगली बात, कहता पुल के ऊपर शू मैप वो जाना था नीचे से, तो क्या होता, कहता पुल के ऊपर आके दरमियान में यार, कहता दरमियान में ना पुल के सेंटर में जाके मैप कहता यू हैव अराइव्ड,
आप खुद हिसाब लगाए, पुल इतना बड़ा पुल है, बहुत बड़ा पुल है, उसके सेंटर में वो बंदा है कि मैं पहले मैप कह रहा जी यू हैव अराइव्ड, आप पहुंच गए हैं। फिर वो जो ड्राइवर है वो कहता है सर वी हैव अराइव्ड, हम पहुंच गए हैं। वो देखते हैं ए गाय आर यू सीरियस, क्या तुम वाकई सीरियस हो, आर यू क्रेजी, तुम पागल तो नहीं हो। कहता व्हाट्स अप, कहता आप देखो ये इधर कहाँ पे बिल्डिंग है। कहता है सर मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, मैप मुझे यहाँ पे ले गया है और मैप मुझे कह रहा है यू हैव अराइव्ड, हम पहुँच गए हैं, मैं तो मैप को फॉलो कर रहा हूँ। वो कहता है उसको ना पता चला गया था ये न्यू ड्राइवर है, उसने कहा यार आप आई थिंक यू आर न्यू हेयर। यस आई एम न्यू, थोड़ा सा अच्छा था बंदा, उसने उसे कुछ नहीं कहा, उसने कहा यार ये ना दोबारा वापस ले गया, ये नीचे है जो सेकंड फ्लोर है नीचे उस पर है, ये ब्रिज भी ऊपर ले आया मैं। फिर वो कहता दोबारा ले गया मुझे ना, मैं उसे दोबारा ले गया हूँ। फिर उसने मैंने उसे सॉरी की, उसने कहा सॉरी कोई टेंशन नहीं अब, लेकिन ये कहा आप न्यू हो ऐसा ऐसा सब थी सीख जाओगे, ये इस तरह की बड़ी शुगली बातें हैं। आपको एक और बात बताऊँगा उसी बंदे की, लेकिन वो बंदा अगर आपने देखना है ना उसका नेम देखना है, अब मेरी वीडियो है ट्रैवलिंग टू वोलोंगोंग फ्रॉम सिडनी, उसकी गाड़ी में हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके पहाड़ियों के अंदर से जा रहे हैं, पहुंच गए पहाड़ियों के अंदर से वोलोंगोंग के। उस जो बंदा है वो बंदा उसकी ये एक बात है, और एक बात मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, एक बात मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ और एक बात दोबारा बताऊँगा, बड़ी फनी बात है।